हाय, दिस इज़ मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। और बोल इंडिया न्यूज़ के लिए मेरी दिल से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ लव, एंड देखते रहिएगा हमेशा बोल इंडिया न्यूज़। और ये गाना खास आप लोगों के लिए। आप सबकी तालियों के साथ चाहूंगा मैं। कमाई भाई लिरिक्स भी है, कंपोज भी किया है। ये बड़ी चीज होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालता है, कलम उठाता है, तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। शीतल खंडवाल और अब आती है वो आवाज जिनके लाखों दीवाने हैं, जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं, मोहम्मद दानिश, जिनको अलग ही पब्लिसिटी मिली है इंडियन आइडल के बाद में। आसिफ भाई साथ में, विक्की कुकरे, एसीपी अशोक बागुल सर, विक्की कुकरेजा सर, फैजान शेख साहब। अब लॉन्चिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिम्पी दीपक बजाज जी, अरे बैठो ना, और राज रतन बंसोड़ साहब। तालियां बजनी चाहिए भाई। जितने गेस्ट हैं मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा गाना कैसा लगा आपको एक एक करके बता दीजिए, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। शुरुआत में फैजान भाई आपसे ही करता हूँ। सबसे पहले तो गाना और वीडियो बहुत बनाए हैं दानिश भाई, आपकी आवाज़ तो भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और आपकी एक्टिंग। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। ये जो गाना है इतना करम, एक्चुअली ये एक दिल की आवाज़ है, एक सिर्फ गाना नहीं है बल्कि एक दिल की आवाज़, एक प्रेयर है। और इस प्रेयर को जिस खूबसूरती से दानिश भाई ने गाया है उसमें जान डाल दी है, और जो एक्टिंग शीतल और इन्होंने आनंद जी ने किया है, इस एक्टिंग और इस वीडियो को देखने के बाद में रियली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इसको दोबारा जब देखेंगे, पूरी टीम की मेहनत, खास करके आसिफ भाई की मेहनत, सन्नी बासवानी, जितनी भी हमारी टीम है उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तो हूँ मोहम्मद दानिश भाई का, इतना बिजी शेड्यूल है, उनको कल भी मॉरीशस जाना है, एक महीने का बिजी शेड्यूल, उसके बाद भी हमारी रिक्वेस्ट पर आसिफ भाई के प्यार ने उन्हें यहाँ खींच के लिया है। हम पूरे सभी की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बस मैं यही चाहता हूँ कि ये गाना नहीं, एक प्रेयर है, ये हर दिल की आवाज़ बने, हर जगह दुआओं में ये शामिल हो, और ये सब आप इसे प्यार दें, पसंद करें। थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्कार। कल ईद थी और आज हमको खुदा का नूर आपकी आवाज़ में मिला है। आपने बहुत सुंदर गीत गाया है और साथ ही यहाँ पे संतोष, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हम संतोष को यहाँ पे एक्ट में देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और शीतल जी आपका भी बहुत ही प्यारा है। इट्स अ सेइंग वेल बिगन इज हाफ डन, तो इतना सुंदर लॉन्च है तो डेफिनेटली बहुत ह्यूज सक्सेस मिलेगा पूरी टीम को। बहुत बहुत बधाई। वेल गाना कैसा था और एक्टिंग कैसी थी ये तो आप हमें बताएंगे,
बट हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाले. आई एम रियली थैंकफुल आसिफ सर एंड सारे हमारे वीआईपी गेस्ट, थैंक यू सो मच. आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर. So good evening everyone, thanks for coming to join our success here today. Special thanks to my sabse pehle start karungi Asif sir se. Asif sir ne mujhe utna layak samjha is pyare album ke liye aur main itna justify kar paye kyunki aapka mujh pe itna trust tha. Bahut kam samay ke sath mein aapne mujh pe bahut zyada trust kiya hai, thank you so much for that. Aur itni badi opportunity ki main kabhi soch bhi nahi sakti thi ki Danish sir के सॉन्ग पे मैं कभी एक्ट करूँगी, वो करने का मौका मुझे आपके थ्रू मिला है. और जैसे कि हम नागपुर के टैलेंट हैं, जनरली इस तरीके के सॉन्ग के लिए मुंबई की कास्टिंग होती है, बट आसिफ सर की वजह से और ढेरिया सर की वजह से हम लोगों को नागपुर के टैलेंट को यहाँ पर एक्ट करने का मौका मिला है और हम लोगों का टैलेंट फिर शोकेस होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे ज़्यादा लकी मैं फील कर ही नहीं सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच आसिफ सर, ढेरिया सर और दानिश सर, आपकी आवाज़ की तो बात ही अलग है. जान जो इस गाने में आई है वो सर की आवाज़ की वजह से है. सो थैंक यू सो मच, हमसे जितना हो पाया हमने उतना बेस्ट करने की कोशिश की. बहुत सारी ऊंच नीच हुई पूरे शो के मतलब पूरे शूट के दौरान. बहुत धूप में हम लोगों ने ये शूट किया है, ये अभी लॉन्च हो रहा है, बट हमने बहुत पहले धूप में कर लिया था ये काम. अब पूरी टाइमिंग निकल गई है तब हम लोग इसका लॉन्च कर रहे हैं. तो ओवरऑल आई एम रियली ग्रेटफुल आसिफ सर आपके लिए भी, मतलब थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू. प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स जिन्होंने इंडियन आइडल में अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए, जिनको हम हमेशा बड़ी आतुरता से हर रोज़ देखा करते थे व्हेन द शो वाज ऑन. एंड वन ऑफ द व्हेन इट कम्स टू स्पेशली हाई पिच सॉन्ग्स, यस ऑर नो, वी कैन हार्डली इमेजिन. जिनको संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी होती है वैसे हर किसी को होती है, क्योंकि हर आदमी तानसेन नहीं हो सकता बट हर आदमी कानसेन जरूर होता है. तो उन्होंने जो कला पेश की वो हम बड़े चाव से देखते थे. मिस्टर मोहम्मद दानिश हु इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स वर्ल्ड ओवर एंड एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ही इज वेरी बिजी बट स्टिल ही हैज फाउंड सम टाइम टू बी रिमेन प्रेजेंट इन दिस स्मॉल फंक्शन. वी आर रियली थैंकफुल टू यू, वी आर प्राउड ऑफ यू. ये जो देखा मैंने इसमें मुझे पुलिस का काम दिखा, ये सुनो. द एल्बम गिव्स द मैसेज ऑफ कमरुल हामनी. इन्होंने जिस टाइम ऐसा किया तो मैडम ने उनको बोला हाथ खोल. जब इन्होंने हाथ खोले तब हमको एक कमरुल हामनी का मैसेज मिला. दिस इज व्हाट इज लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप द टीचर्स ऑल ऑफ अस, यस और नो. दोस्तों मैंने बहुत बुरे दिन देखे. मैं मालेगांव के रॉयट्स में था, मुंबई के रॉयट्स में था, आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड. I can tell you and all of us know that communal riots can be the worst possible thing that can disturb the social fabric of our wonderful nation. Yes or no? तो ये album सिर्फ इनके दोनों के बहुत बढ़िया acting का मिसाल नहीं है, दानिश जी के बहुत ही बढ़िया singing की मिसाल नहीं है, डेरिया जी के बहुत बढ़िया lyricist और बाकी जो भी वो government servant है but इतने अच्छे artist है, मुझे थोड़ा सीना चौड़ा हो गया मेरा. But I am also government servant and I am also planning to do so many things after I get retired. तो बहुत अच्छा लगा विक्की जी, हमारे गुरु जी बंसोड़ साहब, ऑल दी वंडरफुल पीपल स्टैंडिंग हियर ऑन डायस एंड ऑल दी मीडिया मैन एंड ऑल दी वंडरफुल पीपल. आई नो द क्राउड इज वेरी स्मॉल बट वेरी प्रेशियस पीपल, यस और नो. तो पुलिस को ऐसे प्रोग्राम में तो आमतौर पे कोई बुलाता नहीं. पुलिस के बारे में बोला जाता है कि पुलिस बिन बुलाए मेहमान होती है, बट टुडे आई कैन टेल ऑल ऑफ यू प्राउडली दैट आई एम बुलाया हुआ मेहमान. अच्छा, दो दोस्तों मिल गए मुझे पहचानने वाले. ये मेरा दोस्त, आजा बेटा, आगे आजा. आसिफ का आवाज सुनने के बाद हमको अमरीश पुरी जी, गोगा कपूर जी एंड वन ऑफ द ग्रेट, यस और नो, एम आई रॉन्ग राइट? पर गुलाम साहब बोल देते. ये बहुत बढ़िया आवाज के धनी यार. अरे एंकरशिप का अगर किसी ने करना चाहिए तो आसिफ ने. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दे से कि कला जो होती है ना कला, these people are really the most creative kind of people. वो ऐसी
कला का नमूना हमको पेश करते हैं कि हम पूरे दिन का पूरे जिंदगी का दुख और दर्द भूल जाते हैं। ये ताकत होती है कला में। मराठी कितने लोगों को समझता मुझे पता नहीं। ऐसे एक फंक्शन में बुलाया गया, आसिफ ने जैसे बोला, साहेब काही तरी बोला, मी माझी पत्नी पण होती, मी म्हटलं संगीतामध्ये खूप ताकद असते आणि संगीतामध्ये आपलं दुःख हरण करण्याची क्षमता असते। सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या। घरी गेल्यावर माझी बायको मला विचारती, कोण ही संगीता? व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू इज दॅट आर्ट इज सच अ फॉर्म विच हॅज टू बी एन्जॉयड बाय ऑल अँड सन्ड्री अँड वी आर रिअली थँकफुल टू यू मिस्टर दानिशजी फॉर रेजिंग द स्टँडर्ड्स ऑफ सिंगिंग टू सच एन एक्सटेंड, टू सच एन लेवल। अब हम भी पुलिस वालों को भी स्ट्रेस रिलीफ का जरूरत पड़ती है। मैं सिंगर तो नहीं हूँ बट मैं थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करता हूँ। लोग पुलिस को बुलाते हैं मॉप डिस्पर्सल के लिए, यानी लोगों को भगाने के लिए, बट उसके लिए पुलिस को लाठी चार्ज टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे लिए तो मेरा गाना ही काफ़ी है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश दानिशजी ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ टुडेज़ फंक्शन। वी आर प्राउड ऑफ यू दानिशजी। हालांकि बात में बाद में बोलने वाला था कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी एक ही ड्यूटी करते हैं। उस डिपार्टमेंट में बड़े प्यारे फनकार होते हैं, जैसे कि हमारे सामने पहले खड़े हैं बागुल सर। बड़े, मैं फिर से बहुत प्यारे नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने वैसा सीखा नहीं है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के उन्होंने इतने सारे गानों को खुद की तैयारी से ऐसा परफॉर्म किया है कि लोग उस पर बहुत इन्जॉय करते हैं। और पीछे बंसोर सर, ये बिल्कुल हम लोगों की मतलब फैमिली की तरह हैं। इनकी पोस्ट बाद में है, रिश्ते पहले हैं हमसे। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ सेलिब्रिटी मैनेज करना हमारा काम नहीं है, हम लोग खुद इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं। आज ये बात निकली तो मैं अनाउंस कर दूँ कि जनवरी में हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। हमेशा ये देखा होगा आपने कि जब कभी कोई बड़ा नेता या बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ वहाँ बंदोबस्त का काम करता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग एक शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जनवरी में, जिसमें कुछ आर्टिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के ही परफॉर्म करेंगे और भी अदर दूसरे आर्टिस्ट मुंबई से आके परफॉर्म करेंगे। और एक अवार्ड भी दिया जाएगा हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को, नागपुर गौरव अवार्ड, जिसमें एक पॉलिटिशियन और पुलिस डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब, ये दोनों एक स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों का इसमें साथ होगा। बस आप लोग थोड़ा सा बताइए कैसा लगा, उसके बाद सिर्फ दानिश भाई बातें नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बोली। मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरी टीम को, दानिश भाई उनके साथ सभी टीम। इतना अच्छा एक मैसेज के साथ, एक प्रेयर के साथ सॉन्ग हमने सुना, जिसको यहीं पर लॉन्च करने का काम हुआ है। और बागुल साहब आपके बारे में क्या बोलूं, अशोक बागुल जी हमारे मित्र भी हैं और कोई भी महफिल में गए कि वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं। डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे टीम को। और दानिश भाई, हम तो कुछ तो भी आपकी पूरी टीम से कुछ सुनना चाहेंगे। हम सब खड़े भी इसीलिए और आए भी आप लोगों से, पूरी टीम से मिलने के लिए। तो मैं वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और हमारे एरिया में आपने इसका लॉन्च रखा, आपका बहुत बहुत थैंक्स भी करूंगा। जाकर सुनिएगा सर के चैनल पे, SMW फिल्म प्रोडक्शंस पे, एंड आइएगा सर आगे कार्यक्रम बनाते जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा रिवर्ब दे देंगे सर। हेलो, ये तो गा दीजिए, लेकिन फिर ये कैसा बोलिए कुछ सर। हेलो, ना जाने दिल विच एक प्रेम दा प्याला पिया, मैं जिया मैं प्रेम का प्याला पी आया, एक
एक पल में सदिया जिया कमाई बड़ी मैं प्रेम द प्याला पिया एक पल में सदिया जिया सारी मधुशाला पिया एक पल में सदिया जिया मैं जिया मैं भी आया जब प्रेम पाला भी आया मैं जिया ओए रंगता जोगी ओए रंगता जोगी 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 थैंक यू सो मच थैंक यू सरगम 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 इस गाने की सरगम इस गाने की सरगम तो मैंने खुद ही बना रखी है वो बार बार भूल जाता हूँ निर्दा आप सबकी तालियों के साथ चाहूंगा मैं कमाई बड़ी निर्दा Thank you.